साक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर विधानसभा घेराव कार्यक्रम के तहत हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षक के पटना पहुंचे और गर्दानी बाग में सभा शुरू कर दिया है। नियोजित शिक्षकों का विधानसभा घेराव कार्यक्रम भी है। नियोजित शिक्षकों ने कहा है कि बिना शर्त सरकार उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दें, इसके अलावा स्वैच्छिक स्थानांतरण सहित और भी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं। सोमवार से ही शिक्षकों का पटना आना जारी है। वहीं शिक्षकों के पटना में आयोजित प्रदर्शन में जाने के कारण विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों ने कहा कि सरकार असंवैधानिक रूप से शिक्षकों पर कार्रवाई करने का लगातार पत्र जारी कर रही है, लेकिन हम लोग पत्र से डरने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक हम लोगों का यह आंदोलन जारी रहेगा। बताते चले कि साक्षमता परीक्षा के विरोध में लगातार शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं तथा सरकार के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। वहीं बीते 10 फरवरी को शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस भी निकाला था, जिसके खिलाफ मशाल जुलूस में शामिल शिक्षकों को चिन्हित करने का आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आज पटना विधानसभा घेराव के लिए पहुंच गए हैं। और शिक्षकों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। क्रांतिकारी अभिनंदन है, सब लोग जुट रहे हैं। यहाँ से अब इधर उधर नहीं जाना है, सब लोग को आनंद तो सबका प्रणाम। चलिए अभिनंदन है, सब लोग जुट रहे हैं। यहाँ से अब इधर उधर नहीं जाना है, सब लोग को आनंद तो सबका।